ये एक 3 मंजिला बिल्डिंग थी जिसका अहाता बहुत वसी था। अहाते में बाकायदा टेंट लगे हुए थे जहां कुछ देर के बाद एक जलसा मुनाकिद होना था। राबंदर उस बिल्डिंग के सामने सड़क की दूसरी जानिब खड़ा सिगरेट फूंक रहा था और उसकी निगाहें बिल्डिंग के गेट की तरफ मरकूज थीं, जहां से लोग अंदर जा रहे थे और रश बढ़ता जा रहा था। जलसे के शुरका में गाड़ियों वाले भी थे जो अपनी गाड़ियां सड़क के दोनों अतराफ में पार्क करके बिल्डिंग के अंदर जाते दिखाई दे रहे थे। 3:30 बजे तक बिल्डिंग में काफी रश हो गया। खुले गेट से अंदर स्टेज का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। राबंदर ने कुछ देर बाद अपनी रेस्ट वॉच पर वक्त देखा, 4:15 बजे थे। वो पलटकर अपनी कार की तरफ चल दिया जो शुरकाए जलसा की गाड़ियों से चंद कदम के फासले पर खड़ी थी। राबंदर कार के करीब पहुंचकर अपनी सीट पर बैठा और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने आसपास का गौर से जायजा लिया और मुतमैन होकर उसने फ्रंट सीट के अकब में हाथ बढ़ा दिया। उसने कार के फर्श पर बिछा फुटमेट पकड़कर उठाया। नीचे एक मशीन गन रखी थी। उसने मशीन गन उठाई और अपने पैरों में ब्रेक पैडल के साथ रख दी। फिर वो दोबारा कार से उतरा और टहलता हुआ बिल्डिंग के गेट के पास पहुंच गया। वहां 2 अफराद खड़े थे जो जलसागाह में दाखिल होने वालों की तलाशी ले रहे थे, जबकि 2 अफराद सड़क के किनारे खड़े ट्रैफिक कंट्रोल करने में मसरूफ थे। वाह, बेवकूफों को अपने ही आदमियों पर शक हो रहा है और उनकी तलाशी ले रहे हैं, ये मालूम नहीं कि मौत का फरिश्ता पहुंच चुका है और यहाँ सफ़े मातम बिछने वाला है, राबंदर ने मुस्कुराते हुए बड़बड़ाने के अंदाज में कहा। जलसा कब शुरू होगा, राबंदर ने ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले एक शख्स से पूछा। ठीक 4 बजे शुरू हो जाएगा जनाब, उस शख्स ने जवाब दिया। मजहबी स्कॉलर्स कब तशरीफ लाएंगे खिताब करने के लिए, राबंदर ने पूछा। 4 बजे तक आ ही जाएंगे, बस उनके आते ही जलसा शुरू हो जाएगा, आप अंदर जाकर बैठें, उसने कहा। नहीं, मैं उनके आने पर ही अंदर जाऊंगा, हो सकता है वो ना आए, राबंदर ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका अंदेशा दुरुस्त नहीं है जनाब, जिन मजहबी स्कॉलर्स के नाम प्रोग्राम में शामिल हैं वो सब ही आएंगे। स्कॉलर जैदी साहब तो स्कॉलर जौहरी के साथ ही आ रहे हैं, स्काउट बॉय ने कहा। अच्छा, फिर तो वही दोनों पहले पहुंचेंगे, राबंदर ने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ, बल्कि पहुंचने वाले होंगे क्योंकि सबसे पहले जैदी साहब ने खिताब करना है, उस शख्स ने सर हिलाते हुए कहा। यह सुनकर राबंदर ने सर हिलाया और पलटकर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। करीब पहुंचकर उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली तो 4:07 बाकी थे। वो बेताबी से गेट की तरफ देखने लगा। तकरीबन 2 मिनट ही गुजरे थे कि अकब से एक कार आई और गेट पर खड़े दोनों अफराद मुखालिफ समत की ट्रैफिक रोकने लगे। गेट पर मौजूद सब लोग उस कार की तरफ देखने लगे थे। राबंदर ने उस कार की अकबी सीट पर बैठे अफराद को देखा और समझ गया कि वो मजहबी स्कॉलर हैं। राबंदर जल्दी से अपनी कार का दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और इंजन स्टार्ट करके कार आगे बढ़ा दी। मजहबी स्कॉलर्स की कार गेट के सामने सड़क के किनारे रुक गई थी और एक शख्स ने पिछला दरवाजा खोला तो राबंदर ने कार से अमामा बांधे 2 अफराद को कार से बाहर आते देखा तो उसने फौरन ही अपनी कार की रफ्तार में इजाफा करते हुए एक हाथ नीचे करके मशीन गन उठाने की कोशिश की, मगर गन हाथ में ना आई। उसने तेजी से एक लम्हे के लिए अपने पैरों की तरफ देखा और बुखला गया क्योंकि वहां से मशीन गन गायब थी।
राबंदर ने फुर्ती से ब्रेक पैडल दबाते हुए रफ्तार कम की और मजबी स्कॉलर्स की कार के बराबर से गुजर गया। 20-25 कदम आगे आकर उसने साइड पर कार रोकी और मशीन गन की तलाश में कार का जायजा लेने लगा। फिर पलटकर अकबी निशिस्त पर नजर डाली, लेकिन मशीन गन कहीं भी नजर ना आई। राबंदर ने नाकामी और बेबसी की शिद्दत से जबड़े भेंचे और कार आगे बढ़ा दी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मशीन गन कहां गई और किसने गायब की, जबकि उसने अपनी कार के आस पास किसी आदमी को भी नहीं देखा था। क्या कोई उसके ताकुब में था या किसी राहगीर की वहां से गुजरते हुए अचानक कार में रखी मशीन गन पर नजर पड़ गई थी और उसने दरवाजा खोलकर मशीन गन उठा ली थी। अगर ऐसा हुआ था तो उठाने वाले ने दूसरे लोगों को मुतवज्जे क्यों नहीं किया था, जबकि एक ऐसी जगह से जहां नामवर स्कॉलर्स खिताब करने वाले थे, एक मशीन गन का मिलना इस अमर की निशानदेही करता था कि वहां कोई खूनी वारदात होने वाली थी। और अगर मशीन गन से उसे महरूम करके उसके मिशन को नाकाम बनाने वाला कोई खुफिया एजेंसी का एहलकार था, तो उस एहलकार ने उस पर हाथ क्यों नहीं डाला था? राबंदर सोचता रहा और उसका जहन माउफ होता रहा कि वो अपने चीफ को मिशन की नाकामी की इतला कैसे दे, जिसकी लुगत में नाकामी का लफ्ज ही नहीं था। उसने चौक पर पहुंचकर कार बाएं हाथ पर मोड़ी और फुटपाथ के साथ रोक दी। उसे अचानक ख्याल आया था कि वो दूसरी गन का इंतजाम करके जलसा के इख्तिताम पर भी अपना मिशन पूरा कर सकता है। चीफ यकीनन किसी दूसरे साथी के हाथ उसे गन भिजवा देगा। उसने कोट की अंदरूनी जेब से पॉकेट साइज ट्रांसमीटर निकाला और उसे ऑन करके ब्लैक एंजल को कॉल करने लगा। हेलो चीफ, राबंदर कॉलिंग ओवर, राबंदर ने कहा। यस राबंदर, कोड ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से ब्लैक एंजल की आवाज सुनाई दी। डेथ एंजल्स, ओवर, राबंदर ने कोड बताते हुए कहा। क्या तुम राम दयाल के ठिकाने पर पहुंच चुके हो, ओवर, चीफ ने पूछा। नो सर, मैं मर्डर पॉइंट से आगे पेट्रोल पंप को जाने वाली सड़क पर खड़ा हूं, ओवर, राबंदर ने कहा। क्यों? मैंने तुम्हें वाजे तौर पर हदायत की थी कि मिशन मुकम्मल करके सीधा राम दयाल के पास पहुंचाना। फिर तुम वहां क्यों रुके हुए हो? क्या गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, ओवर, चीफ ने पूछा। वो दर असल मिशन, सॉरी सर, दर असल, ओवर, राबंदर ने घबराए हुए लहजे में कहा। राबंदर, क्या बकवास कर रहे हो, क्या होश है तुम्हें, ओवर, चीफ की गुराहट सुनाई दी। चीफ, मैं आपके हुक्म पर अमल नहीं कर सका। किसी ने मेरी कार से मशीन गन गायब कर दी है, जिसका इलम मुझे एन उस वक्त हुआ जब मैं फायर करना चाहता था, ओवर, राबंदर ने कहा। ओह, ये कैसे हुआ? तुम्हें पहले क्यों ना इलम हो सका, ओवर, चीफ ने गुराते हुए कहा, तो राबंदर लर्ज कर रह गया। उसने तफसील बताई कि वो सिर्फ 2 मिनट के लिए कार से निकलकर एहाते के गेट तक गया था। इसका मतलब है कि तुम नाकाम रहे हो। तुम्हें मालूम है कि मैं नाकामी का लफ्ज भी सुनना पसंद नहीं करता, ओवर, चीफ ने घुराते हुए कहा। नो सर, अगर मुझे मशीन गन मिल जाए तो मैं अब भी मिशन मुकम्मल कर सकता हूं, ओवर, राबंदर ने कहा। नहीं, अब ये मुमकिन नहीं है। जिसने तुम्हारी मशीन गन गायब की है, अब वो तुम्हारे ताकुब में होगा। शायद वो तुम्हारे आसपास मौजूद हो, ओवर, चीफ ने उसकी बात काटते हुए कहा। तो राबंदर ने चौंकते हुए दाएं बाएं देखा और फिर बैक मिरर में अकब का जायजा लेने लगा। चीफ, यहां कोई भी नहीं है, ना कोई गाड़ी और ना कोई आदमी।
आप मुतमैन रहें, ओवर। राब बंदर ने बैक मरर में देखते हुए कहा, मेरे इत्मीनान के लिए जरूरी है कि तुम ट्रांसमीटर के तमाम बटन ऑन कर दो। और जीरो फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद रामदयाल की तरफ रवाना हो जाओ। तुम्हें वहां पहुंचना है, समझे, ओवर, चीफ ने कहा। यस सर, समझ गया हूं सर, ओवर, राब बंदर ने कहा। ठीक, ये काम जल्द होना चाहिए, ओवर एंड ऑल, चीफ ने कहा, और फिर ट्रांसमीटर खामोश हो गया। राब बंदर ने गहरा सांस लिया और अपने तने हुए आसाब ढीले छोड़ दिए। चंद लम्हों बाद वो संभला तो उसने चीफ की हदायत के मुताबिक ट्रांसमीटर पर नसब तमाम बटन प्रेस कर दिए। फिर वो फ्रीक्वेंसी सेट करने लगा, लेकिन उससे पहले के सुई जीरो पर पहुंचती अचानक कार के बाएं पहलू से एक ओराहट उभरी और राब बंदर बेइख्तियार उछल पड़ा। उसने हाथ रोककर बाएं दरवाजे की तरफ देखा और एक लम्हे के लिए अपनी जगह पर साकित होकर रह गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीघर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।